इधर महिला उद्यमियों को मौका देने और नई दिशा देने के लिए राजधानी में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बताया गया कि कैसे महिलाएं देश की तकदीर बदलने में उद्यम के जरिए योगदान दे सकती हैं। दिल्ली के द पार्क होटल में 10वां वुमेन एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन के इस आयोजन का मकसद महिलाओं को व्यवसायिक तौर पर सशक्त बनाना था। कॉन्फ्रेंस में कई वर्गों की महिलाओं ने हिस्सा लिया और कैसे अपने काम को पहचान दिलाई जाए इस पर चर्चा हुई। DMA के द्वारा ये जो अवार्ड हमें दिया जा रहा है, इसके लिए हम बहुत उनके आभारी भी हैं और मैं चाहती हूँ कि इससे, इस अवार्ड से ऐसी रिकॉग्निशन जो मिलती है, इससे हमारी टीम को और हमारी संस्थाओं को बहुत बढ़ावा मिलता है और हम आगे जाके और महिलाओं की मदद कर पाते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में कई महिलाओं को उनके योगदान के लिए पुरस्कार भी दिया गया। इसमें हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं, सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ, और उन्हें रास्ता दिखाएं कि कैसे वो आगे मार्गदर्शन में आगे कैसे जा सकती है। किसी भी व्यवसाय की नींव होती है फंडिंग। कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि कैसे महिला उद्यमी अपने सपनों को पूरा करने के लिए फंडिंग जुटा सकती हैं। स्टार्टअप इंडिया, थ्रू मेक इन इंडिया, इतने इस तरह की फैसिलिटीज क्रिएट की गई हैं, गवर्नमेंट ने प्रोविजंस क्रिएट किए हैं। तो हमारा एक एफर्ट है DMA के प्लेटफॉर्म पे, जहां हमने एक नेटवर्क बनाया है, नेटवर्क ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एट DMA, जहां हम उनको एक लर्निंग, एक मेंटरिंग, एक नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि 2024 में सरकार के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने के लिए कैसे महिलाएं भारत सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं के तहत अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकती हैं। निखिल लखवानी, दिल्ली आज तक।